Sims. What do you want, man? What do you want? I bought the monkey ओम शांति एवरीवन, ओम शांति सभी को। एवरीवन ओके, वेल सभी ठीक है।
सब ठीक हो? Because before we always thought, पहले क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कि शरीर ठीक होना चाहिए, लेकिन अब हमें पता है कि आत्मा, मन और बुद्धि, अंदर में अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं, फील वेल कर रहे हैं या अच्छा फील कर रहे हैं, तो बाहर वो होता है. और ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि अंदर में अगर हमारी शुद्ध भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, हमेशा स्नेह संपन्न भावनाएं हैं मन में, तो मन अवश्य ही हेल्दी बनेगा. क्योंकि जैसे ही किसी की गलती या किसी की कमजोरी मन में आती है, तो मन को अच्छा नहीं लगता है. लेकिन हमारे लिए उससे भी ऊंची बात है, क्योंकि हमें सदा यही सोचना है कि बाबा की क्या क्वालिटीज है. बाबा विश्व कल्याणकारी है और बाबा ने कहा हम उसके साथी हैं, तो हमें बाबा जैसा बनना पड़े ना फिर, है ना. और अगर बाबा समान बनना है, इसका अर्थ क्या है, ना कंप्लीट बनना है, फुल, पूरा, संपन्न, सभी गुणों से संपन्न. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा में क्या था, दादी प्रकाशमणि में क्या था, जो बाकी दादियां हैं उनमें क्या ऐसा था कि दूसरी किसी भी परिस्थिति में जब वो आते थे, चाहे वो परिस्थिति बहुत ही चैलेंज करने वाली होती थी, लेकिन वो अपनी उस गुण को बनाए रखते थे, अपनी क्वालिटी को बनाए रखते थे. मुझे लगता है आप में से कईयों को पता होगा, ज्यादातर आपको पता होगा कि जब कार बनती है, जब कोई कार बनाई जाती है, तो उस समय कार रोड पर आए उसके लिए जब उनकी रोड टेस्ट होती है, तो अगर वो बाहर आए और उसके अगर पार्ट्स जो है उर्जे पुर्जे से बाहर निकलने लगे, तो फिर वो कहते हैं कि कई लोग जो है कार खरीदते हैं तो हैवी कार खरीदते हैं. मैं सोचता हूँ हैवी क्यों खरीदते हो, तो कहते हैं क्योंकि अगर कभी अगर गलती से कभी कुछ हुआ भी, एक्सीडेंट भी हुआ, तो हम सेफ रहेंगे, क्योंकि कार की जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैवी है. तो क्यों क्यों ऐसा है? अगर आप उसकी बनावट को देखें, कैसे वो बनती है, तो हर एक जो पार्ट है कार का, तो उसमें कुछ क्वालिटी है कि प्रूफ करना पड़े कि वो रोड पर सेफ है. तो हाँ, हमेशा ये संभावना तो होती ही है कि कभी ना कोई इंजरी हो या कुछ होता है, लेकिन कम कैसे हो. तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कैसे हम सभी के लिए भी कैसे ड्रामा की जो सीन्स आती है, हमारी परीक्षा लेती है, अलग अलग तरीके से टेस्ट करती है. ये बहुत ही साधारण सी एक कहानी आप सबने सुनी होगी कि जब ब्रह्मा बाबा हमेशा ही मुस्कुराते थे, और हमेशा उनके अंदर देखा गया है कि बहुत धैर्य था, बहुत धैर्य. और आपको पता होगा कि वो बहुत ही अच्छे परिवार से थे, लेकिन जब वो ज्ञान में आए तो बहुत सारे आत्माएं उनसे आकर्षित हुई और आए, और 300 के करीब आत्माएं नजदीक आई, और ऐसा उन्होंने संकल्प किया या निर्णय किया कि एक सुंदर परिवार बन सकता है. और उनमें पवित्रता थी, क्योंकि पवित्रता थी उसके कारण कई सारी मुश्किलें भी आई, तो घर पर भी सब खुश थे, ऐसा भी नहीं था. कईयों के बच्चे, कईयों के पति, कईयों के पत्नियां, तो बहुत गुस्सा, बहुत अपसेट भी थे. वो देख नहीं सकते थे पवित्रता की जो महत्वता है, उसको पहचान नहीं सकते थे, तो इसलिए वो बहुत कुछ कुछ बोलते थे बाबा के लिए.
और जो बहुत अच्छी बातें नहीं थी, बहुत उनका जो पर्सनल कैरेक्टर था उस पर भी बहुत उनको निंदा बहुत हुई, लेकिन उस निंदा में भी बाबा को एक पल के लिए भी ऐसा अफेक्ट नहीं हुआ। बाबा ने हमेशा सोचा है कि कुछ उनको नहीं, और लेकिन अगर सोचो आपको या हमें कोई बोले कि ये तो है नहीं, ये राइट नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? लेकिन बाबा हमेशा मुस्कुराते रहे। मुझे भी याद है जब मैं ज्ञान में आई तो ब्रह्मा कुमारीज जो थी उस समय दिल्ली में बहुत नई थी, नया ही जैसे सेवा का स्थान वहां पर शुरू किया था, और उसकी कोई ज्यादा ऐसे हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन जिनको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था तो वो ब्रह्मा कुमारियों की बहुत निंदा करते थे, उस अनुसार से उसको फैलाते थे, और कभी भी उनको देखते थे तो बहुत बुरी दृष्टि से, बहुत नेगेटिव दृष्टि से देखते थे, लेकिन उससे उनको कोई अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अंदर में ये पता था कि हमने सत्यता को पाया है, हमें भगवान साथी मिला है, भगवान के साथी है, हमें सेवा करनी है, तो इसका बहुत नशा था। परंतु ब्रह्मा बाबा के साथ हमने थोड़ा उसका टेस्ट किया, यू नो, ब्रह्मा बाबा के साथ तो जो हुआ वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो मैं वो बाबा का जो चित्र है उसको अपने सामने रखती कि बाबा में इतना स्नेह, इतना धैर्य, तो क्या वो संस्कार कहो या क्या वो क्वालिटी थी, क्या वो शक्ति थी जो उनके लिए जैसे एकदम स्ट्रेंथ बन गई। तो न केवल ये संस्कार की बात है, लेकिन कई सारे आपको पता है ऐसे भी आए जिनमें बहुत नशा भी था, लेकिन कई ऐसे भी थे जिनको बहुत संघर्ष भी फील हुआ, खासकर जब उनको जो चाहिए वो नहीं मिला, या वो इस रूहानी यात्रा पर रह नहीं सकते थे, तो इसलिए उनको खींच होती थी लौकिक की, तो बीमार भी हुए, कुछ हुआ, तो 20-30 ऐसे लोग बाबा के पास आए, बाबा को कहा बाबा हमें जाना है, तो बाबा कहते थे ठीक है बच्चे, कब जाना है आपको? तो भले वो चले गए, फिर भी बाबा के लिए बहुत प्यार था उनके दिल में, और बाबा ने ऐसे कभी उनको छोड़ नहीं दिया कि बस अब ये मुझे बिलोंग नहीं करते, अब मेरे से बात नहीं कर सकते, मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं था कभी। तो मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ जो निमित्त है सेंटर्स पर उनको, कि चलो कोई चला भी गया, लेकिन वो फिर भी तो बाबा का बच्चा है, तो भले वो चला गया लेकिन फिर भी बाबा का बच्चा है, लेकिन यात्रा पर नहीं चल पा रहा है तो कोई बात नहीं है। समझो कोई है जिनको यात्रा पर जाना है और बहुत ऊंची मंजिल है, तो कई बीमार भी पड़ जाते हैं, तो बीच में फिर वो वापस आ जाते हैं ना, तो ऐसे ही रूहानी यात्रा पर हो सकता है कि कईयों को पता चल सकता है कि ये बहुत ऊंची मंजिल है, बहुत श्रेष्ठ मंजिल है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती हूँ, तो वो निर्णय करते हैं कि हम अब वापस चले जाए अपने लौकिक दुनिया में। लेकिन उसमें हमारा व्यक्तिगत कोई लेन देन नहीं है ना, कोई उसमें ग्रज होल्ड करने की बात नहीं है। तो पवित्रता क्या है? हम कहते हैं परमात्मा सत्य है, परमात्मा स्नेह है, गॉड इज लव बोलते हैं। ये मैंने ब्रह्मा बाबा में देखा कि हाँ गॉड इज लव, मैंने देखा दादी प्रकाशमणि में भी। तो भले अगर हम थोड़ी सी भी क्वालिटीज लेते हैं, खासकर जो ये स्नेह का गुण है या सत्यता का गुण है, क्योंकि सभी तो आत्माएं हैं ना, उनके अंदर अलग अलग संस्कार है, अलग अलग उनका पार्ट है, तो कुछ कुछ होता है ना, लेकिन अंदर में
love for all souls. हर आत्मा के प्रति स्नेह कंप्लीट संपूर्णता उसको कहेंगे कि जो गुण अचल अडोल रहे, माना बाहर में कुछ भी हो लेकिन वो गुण वैसा का वैसा रहे, मेरा जो गुण है वो रहे, गुण में हलचल ना दिखाई दे। कभी कभी हम धैर्यता बहुत समय तक रखते हैं और फिर आखिर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हम 90% तक धैर्य रहते हैं, 89% तक रहते हैं, लेकिन फिर उसके आगे नहीं रह पाते। तो हमें देखना चाहिए कि अभी मैं इसमें संपूर्ण नहीं बनाऊ, क्योंकि कभी कभी हम पूछते हैं तो कहते हैं हाँ हम ऑलमोस्ट जैसे पूर्ण है, संपूर्ण बने हैं, लेकिन जब टेस्ट पेपर्स आते हैं या विपरीत परिस्थिति आती है, तब उस समय अगर मैं उस गुण को बनाए रखती हूँ, उस गुण को विजिबल रीति से दिखाई पड़ता है वो गुण मेरे अंदर, तब कहेंगे कि हाँ संपूर्णता है। तो कैसे मेरी जो वृत्ति है, हमारी वृत्ति दृष्टि बहुत बहुत साफ रहे, और विशेषतः वो आत्माएं जो नहीं आगे बढ़ पा रही है उनको तो और ही ज्यादा स्नेह चाहिए ना, उनको फिर भी अपनेपन की भासना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं कि जिसके पास सारे गुण हैं और उसको तो सब सभी उसको प्यार करेंगे ना, हाँ ये तो ठीक है क्योंकि उसके अंदर सारे गुण हैं तो सभी उससे प्यार करेंगे, लेकिन जो पुरुषार्थ कर रहा है जिसमें शायद सारे गुण नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा स्नेह और अपनेपन की भासना की जरूरत है। तो इसको कहेंगे जैसे संस्कार, ये कि जैसे संस्कार बन रहा है कि मैं जैसे स्वरूप बन रही हूँ, तो हमें परसेंटेज को देखना है कि आप में से कितनों को संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न कितनों को बनना है। आप हाथ खड़ा कीजिए, दीदी देखना चाहते हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। ऐसा कोई है जिसको नहीं बनना है, वो इजी होगा ना शायद, सबको बनना है। आप लोगों को भासना आती है कि आप एक रूहानी यात्रा पर हो, आप ध्यान दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, हाँ जी, कि जो भी गुण है उसमें मैं उसमें उसको मैं धारण करूं और उसका स्वरूप बनूं, तो मेरे स्वरूप में मेरी धारणा में वो गुण दिखाई दे, चाहे शांति है, चाहे स्नेह है, चाहे मधुरता है, चाहे मुस्कुराहट है, चाहे मैत्रित्व का भाव है, फ्रेंडशिप। और जब भी आप बाबा के बारे में सोचे तो आप बाबा के गुणों के बारे में सोचे, पहले एक गुण, फिर दूसरा गुण, फिर कोई दूसरा गुण, ऐसे बाबा के यज्ञ को देखे, कैसे ये यज्ञ की पालना हो रही है बाबा की शक्तियों से, बाबा की एनर्जी से, बाबा के गुणों से। ऐसा ही है जो भी सेवा आप करते, जो भी सेवा स्थान है, तो पालना तो गुणों से ही होती है। तो ज्ञान है गुणों का, फिर बाबा के साथ योग करते हैं, फिर धारणा करते हैं, गुणों की धारणा होती है, और फिर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं, हम संपन्न बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं। तो थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ चाहिए। और आज तो बाबा ने ये भी कहा कि आपकी बुद्धि को छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी बातों में उसको व्यस्त नहीं रखो, बुद्धि को ये नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बात में मेरी बुद्धि फंसती जा रही है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी बात होती है और बुद्धि उसमें चली जाती है, अचानक आ जाती है, और हाँ हो सकता है आ सकती है जल्दी से, लेकिन उसी क्विक
नेस ने मुझे भी फिर उसको शांति की शक्ति से साइलेंस पावर से उसको जैसे किनारा करना है. तो इस तरह से बाबा से मैं जैसे वर्षा ले रही हूँ. बाबा ने कहा कि जैसे आप गुणों को देख भी रहे हैं, किसी और की स्पेशलिटीज को भी देख रहे हैं, तो भी आपको बाबा को याद करना है, क्योंकि उस आत्मा को भी बाबा से मिला ना. ये नहीं कि मैं कहूँ कि ये आत्मा बहुत विशेष है. हाँ, हम कह सकते हैं, लेकिन वो विशेषता उसको किसने दी, उसको विशेष किसने बनाया? हमारे जीवन में बाबा है ना. बिना बाबा के जीवन में हमारे तो हम होंगे भी नहीं. हमारे सारे गुण तो बाबा का बनने के बाद ही आए हैं, बाबा की याद से ही आए हैं. तो बाबा से सर्व खजाने लेकर स्वरूप बन रहे हैं. तो ये जो आदत है कि बस बाबा से कनेक्ट करना है, हर चीज के लिए, हर बात के लिए बाबा से कनेक्ट करना है. कैसे बाबा का कार्य इतने गुप्त रीति से बाबा कर रहा है, हर बात का जैसे संभाल हो रही है, हर रोज जैसे बहुत बहुत सारी बातें होती रहती है, और फिर हम कहते हैं बाबा कर रहा है. सो टुडे एंटरिंग इन, आज हम इस नए अभ्यास को शुरू कर रहे हैं, जिसमें दिव्य गुणों की जो धारणा है उसको देखेंगे. तो उसमें पहला है सर्वगुण संपन्न, क्योंकि ये दिव्य गुण है. और हर एक हम अंदर में ये फील करते हैं कि वो दिव्यता हमारी बढ़ती जा रही है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उदाहरण देते हैं कि ऊपर में है, जैसे हलचल है, तूफान भी है, बहुत सारी लहरें भी आ रही है, लेकिन जैसे आप नीचे चले जाते हो, तले में चले जाते हो, तो वहाँ बहुत शांति है और बहुत साफ है, क्लियर है. तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है. अगर कुछ बात आती है तो बस उसको लेट गो करे, उसको जाने दे, और फिर अपनी सूक्ष्म स्थिति को इमर्ज करे, अंदर जाए, गहराई में जाए. और जैसे मैंने कहा कि वो जैसे उस समय तूफान आता है, उस समय पानी की लहरें तेज होती है, चाहे जो भी कारण हो किसी भी परिस्थिति की वजह से, लेकिन बस गहराई में चले जाए, सूक्ष्म बन जाए, और आपको अनुभव होगा कि आप एकदम काम और स्थिर और बनते जा रहे हैं, और आप अपने गुणों को देख पाएंगे, अपनी शक्तियों को महसूस कर पाएंगे बहुत ही क्लैरिटी के साथ. तो हमारा पहला संकल्प है कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, क्योंकि ये हमारा जैसे श्रृंगार है. जो गुण है वो हमारे जीवन को महत्व देते हैं और साथ साथ श्रृंगार भी करते हैं. तो जीवन की वैल्यू किस आधार पर है? गुणों के आधार पर है. और श्रृंगार क्यों कहा मैंने? क्योंकि वो आंतरिक सुंदरता है, और जो फिर बाहर में दिखाई पड़ती है. ब्राह्मण जीवन की सुंदरता क्या है? लौकिक दुनिया में कितना खुद को वो श्रृंगार करते हैं. हम तो ऐसे शारीरिक रीति से श्रृंगार नहीं करते, लेकिन फिर भी स्वाभाविक सुंदरता जो है, जैसे सतयुग में सब कुछ स्वाभाविक नेचुरल होगा, क्योंकि सारे जो तत्व है वो सभी बीच सत्व प्रधान होंगे. तो हमारा आज का जो रिफ्लेक्शन है कल के लिए, वो यही है कि कैसे हम सर्वगुण संपन्न बने, सभी गुणों से संपन्न बने. और हर गुण के लिए आपको जब ऐसा अनुभव हो या फील हो कि मुझे ये चाहिए, तो आप बस बाबा को देखे, बाबा सागर है और मैं मास्टर हूँ, बाबा से मिल रहा है और मैं भी दाता बनकर दे रहा हूँ. तो सेकंड में वो गुण जैसे इमर्ज हो जाएगा, और ये करते रहो आप सारा दिन, तो शाम तक आप देखेंगे कि वो संस्कार कुछ परसेंटेज में जैसे क्रिएट होता है, और आप स्वरूप बन जाएंगे उस गुण का.
तो वो हमारा पुरुषार्थ रहेगा कल के लिए. ओम शांति. जैसे देखो बाबा हमेशा ओपन कहता है, आज आपके बच्चे हैं, अब वो शादी करना चाहते या बड़े हैं, आपका दुकान है, आपका धंधा है, कुछ भी है, तो अगर आप उनको हिस्सा न दो तो जरूर वो लड़ेंगे. लेकिन आप समझो हमारे को चार लौकिक बच्चे हैं, तो पहला मेरा, पांचवा बाबा बच्चा है, तो पहला आप बाबा बच्चा को रखा तो ट्रस्टी बन के फिर चार को भी निभाओ. अगर चारों को कहो गेट हाउस मैं पाई भी नहीं दूंगा तो फिर तो आपके दुकान में भी वो काम नहीं करेंगे. वो काम भी नहीं करेंगे तो आपका दुकान खराब हो जाएगा. तो खराब भी तो नहीं करो. लेकिन आप तो बाबा की ट्रस्टी हो, आपका हिस्सा बाबा, आपका वारिस बाबा, बाकी उन लोगों को निभा. हाँ नहीं फेंको, नहीं फेंको ना, हम कहते हैं नहीं फेंको, उन लोगों को भी संभालो, उन लोगों को भी हिस्सा दो. नहीं आप नहीं शाकाजोरी करो. जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें शादी करनी ही है, तो ये है विक्रम. आप उनको कभी एडवाइस भी नहीं करो बच्चा तू शादी करो, एडवाइस भी दिया तो आपका विक्रम है, पर उनका संस्कार है मैं शादी करूं, तो आप उनको रोक नहीं सकते. नहीं आपका हाँ नहीं है, आप उन्हें उनकी इच्छा पर कहते हो भले, तो जीवन का मालिक वो हुआ, आप नहीं हुए. उनकी इच्छा है ना मैं करूं, तो आप उनकी इच्छा को कैसे मार सकते. उनकी इच्छा है तो आपका कर्म नहीं है, पर आपकी इच्छा है तो फिर आपका कर्म है. इसलिए आपकी इच्छा नहीं चाहिए, उनकी इच्छा चाहिए. आप उनको रास्ता बताओ भाई, ये है गुड, ये है बैड, ये है स्वर्ग, ये है नर्क. फिर तुम्हें जहां जाना हो तुम जीवन का मालिक खुद हो, तुम अपना मालिक हो, तुम अपना फ्यूचर तुम संभालो, जवाबदार तुम हो, तुम्हें करनी है भले कर. उनकी इच्छा तो आगे जाती, उनकी इच्छा तो पूरी करने के हम सहायता तो देंगे, देंगे जब सहायता देंगे तो हम भी उनके साथ. नहीं एक बात होती है आपका इंटरेस्ट तो सहायता है, परंतु उनकी इच्छा है आप कहते हो भले करो, आपकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए आप जो बैठ करके यजमान बुलाते हो, महफले करते हो, वो नहीं करो. बाकी उनकी इच्छा है मैं शादी करूं, तो भले आपको निमित्त करना ही पड़ता, अथवा कोई ऐसे भी होता पापा कहते युक्ति रखो, अगर आपके बड़े भाई दादा मामा चाचा है तो उन पर रखो कि भाई तुम लोग करो मैं आपका साथ हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करूं, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा. अच्छा निमित्त उनका जो हिसाब है सो देना पड़ेगा. अच्छा एक क्वेश्चन है कि चैरिटी जो है ना, जैसे कोई फ्लड है, फ्लड रिलीफ है या चैरिटी होते हैं जैसे संस्था, उनमें दान देना चाहिए? हाँ कभी कभी देना पड़ता है. क्यों आप लोग प्रवृत्ति में कमाते हो, आप लोग धंधा करते हो, प्रवृत्ति में कमाते हो, दफ्तर में कमाते हो, और आप लोगों को अपने दफ्तरों के साथ निभाना पड़ता, चलना पड़ता. जब चलना पड़ता निभाना पड़ता तो आपको समय पर कंट्रीब्यूट करना भी पड़ता. सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादे के मन में थी, 15 बरस की थी बाबा. एक नई दुनिया दिखी रही सा.
की मणि है अपनी दादी, वो प्यारी दादी। ओम शांति, ओम शांति सभी को। थैंक यू आपका, आप मुझे याद दिला रहे हो जैसे बाबा और ड्रामा भी मुझे ब्राह्मण जीवन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो उसके थोड़े साल पहले मैंने स्कूप डाइविंग की थी और मैं ये कह सकती हूँ कि ऊपर ऊपर में तो बहुत सारे ऐसे हलचल हो सकती है, वेव्स आती है, हलचल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो बहुत साइलेंस का अनुभव होता है और वहां आपको इतना सूक्ष्मता का अनुभव होता है जैसे कि बस आप उड़ रहे हैं। लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए, नीचे जाने के लिए, All the way. जो भी वेव्स आ रही है, तो कुछ उस समय भी आपको बहुत शांत होना पड़ता है ताकि आप शांति से अपने लंग्स के द्वारा श्वास ले सके और फिर बहुत एकाग्रता के साथ आप नीचे जा सके। लेकिन बस उस पल की बात है और जैसे आप नीचे जाना शुरू करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे बहुत आसान फील होता है और जब आप नीचे होते हैं तब तो एकदम आसान हो जाता है, स्वाभाविक फील होता है कि हाँ हम यहाँ बिलोंग करते हैं। तो मैं आगे देख रही हूँ कि कल कैसे हम इसको पुरुषार्थ में लेकर आएंगे और कैसे फादर ब्रह्मा को फॉलो कर सकते हैं, और मैं जो वो हलचल ऊपर में आती है उनको अलाव नहीं करूँगी, चाहे किसी ने कुछ कहा या मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो हलचल वाली बातें हैं ये मैं अपने आप को अलाव नहीं करूंगी कि मेरे दिल को जो मैं चाहती हूँ उस बात से दूर कर दे। लेकिन जो मेरा मेरी जो वर्च्यूज है जो खो गए थे मैं उनको फिर से प्राप्त करना चाहती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मुझे वो जो हलचल है वो चाहिए ताकि वो मुझे दिखा सके कि किस परसेंटेज तक या किस डिग्री तक मेरे पास वो गुण है, या मैं अभी बहुत सरलता से सागर की गहराई में जा पाती हूँ या समय लगता है। तो हमारा कल का ये फोकस होगा कि बाप समान बने, बाप जो सागर है उसकी गहराई में जाए और अपना ध्यान अपने ऊपर रखे ताकि ये स्वाभाविक अभ्यास कर सके। तो देखते हैं कल का होमवर्क क्या है। दैवी संस्कार, दैवी संसार, सर्वगुण संपन्न। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और धारणाओं का खजाना भी है, जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्वशक्तियां हैं, ऐसे ही सर्वगुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है, और गुणों में भी सभी शक्तियां समाई हुई है।
complete with all virtues. Sarvagun Sampan. There is the treasure of knowledge. So jaise gyan ka khazana, yog ka khazana, aur dharnaon ka bhi khazana hai. Dharnaon se and through this imbibing, dharnao se gunon ka khazana jama ho jata hai. In virtues too, गुणों में भी जैसे सर्वशक्तियां हैं ऐसे ही सर्वगुण है. सर्वगुण संपन्न ज्ञान का खजाना योग का खजाना और धारणाओं का खजाना भी है. धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है. गुणों में भी जैसे सर्वशक्तियां हैं ऐसे ही सर्वगुण हैं. सिर्फ गुण नहीं है, सर्वगुण है. ओम शांति.
कर्म